2021-22 की जो मियाद थी मालेगांव महानगर पालिका की, उस वक्त चार ब्रिज की प्लानिंग उस सालाना बजट के अंदर शेख रशीद साहब ने की थी, और उसी चार ब्रिज के अंदर ये एक ब्रिज का काम हुआ, और तीन ब्रिज के काम हैं वो जारी व सारी है, लगभग अनकरीब ही है ख़त्म होने पर। ये ब्रिज की कुल रकम 50 लाख रुपया पकड़ी गई थी, और तीन ब्रिज 70 लाख रुपए के, ऐसे कुछ 2 कोटी 60 लाख रुपए के चारों ब्रिज थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ख़ास बात ये है कि चारों ब्रिज आउटर के असम्बली हलके के अंदर शेख रशीद साहब ने पकड़ा था, जो ये बात को साबित करता है कि हमारा मकसद, साहब का मकसद हमेशा आवाम के काम करना होता था। हमने कभी वोट बैंक की सियासत नहीं की कि ये सेंट्रल में या आउटर में है, ये मजाफात के इलाकों में हमने 2 कोटी 60 लाख रुपए का फंड एडजस्ट करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ और आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये एक बहुत बड़ा खराज अकीदत है, और अल्लाह के फजल करम से वो तीन ब्रिज का भी फॉलोअप चल रहा है। ऐसे अनेक काम हैं शहर भर में जो धीरे धीरे हम आवाम के सामने लाएंगे, जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है। आजकल देखने में ये आ रहा है कि जिसके पत्र व्यवहार हमने किए उसके ताल्लुक से भी कुछ शहर के नाअहल लीडर जाके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम बाकायदा सबूत के साथ में और हमारे पत्र व्यवहार की जो नोंद है, हमने जो डिमांड्स की जो लेटर दिए, वो सारी चीज़ें गवाह रहती है। खाली बोलने से नहीं होता, जैसा कि पवारवाड़ी रोड के ऊपर भी बहुत वावेला हो रहा है, उसके लिए क्या कितने धरने आंदोलन हुए, हमारे नगर सेवकों ने कितनी मेहनत की, उसके बजट के लिए हमने क्या कोशिश की, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आगे हम आवाम के सामने लाएंगे। कुछ वजूहात के बिना पे हम लोग सब मसरूफ़ थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ें आवाम के सामने लाई जाएगी, और आवाम को लोगों के चेहरे से नकाब उतार के आवाम के सामने हम बताएंगे कि काम किसका है और नाम किसका हो रहा है।